कोरबा केतवारी बाजार मुख्य मार्ग पर कुछ व्यवसायियों ने कब्जा कर रखा है। इसके कारण बाजार वाले दिवस लोगों को बेहद परेशानी होती है। प्रशासन के पास यह मामला पिछले दिनों पहुंचा था, जिसके बाद नगर निगम ने समस्या पैदा करने वाले व्यवसायियों को नोटिस दिया है। लोग चाहते हैं कि चेतावनी के बजाय आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इतवारी बाजार के मामले को लेकर नगर पालिक निगम इससे पहले भी इस प्रकार के कदम उठा चुका है, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। एक वर्ष से भी ज़्यादा समय से यहां पर रविवार और गुरुवार को काफ़ी समस्याएं पेश आती हैं और सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। हरीश कलवानी बताते हैं कि अपनी मूल जगह से हटकर दुकानें सड़क तक लगा ली जाती हैं, जिसके चलते आवागमन में काफ़ी असर होता है। यहाँ जितने भी व्यापारी बंधु हैं, उनकी दुकानें क्या है, ट्रम शॉप रैप रहे रोड में लगी हुई है, जिनके कारण पूरा यातायात अव्यवस्थित हो जा रहा है। आने जाने वाले पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उस चीज़ का बस यही है कि अब दुकानदार अपनी दुकान को थोड़ा अंदर कर दें, ताकि आने जाने का जो साधन है वो क्लियर हो। सत्या जायसवाल ने व्यवसायियों से कहा कि वे आवश्यक रूप से अपनी दुकानों को निर्धारित जगह पर लगाने की मानसिकता बनाएं। खासतौर पर मांस की दुकानों के मामले में गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दुकानों के चक्कर में लोगों की भावनाएं बाधित हो रही हैं। चिकन मटन की दुकानें हैं, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी अंदर में अपना कटिंग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुले आम कटिंग होने से भी लोगों के जो आने जाने वाले में जो बदबू फैलती है, बच्चे में दहशत आता है, उस चीज़ का ध्यान रखें और सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसायी संघ के द्वारा यहाँ से जुड़ी समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया था। अध्यक्ष अनीश मेमन ने बताया कि कलेक्टर की जानकारी में मामले को लाने के बाद निगम ने संबंधित लोगों को नोटिस दिया है। हम चाहते हैं कि इस इलाके में समस्या के सभी कारणों को हटाने की कार्रवाई की जाए। अभी नए कलेक्टर साहब और नए एसपी साहब पास भी गया, मैडम का भी गया, जाके सारी समस्या को बताया कि भाई इतवारी बाजार में स्थिति बहुत खराब हो गई, अवैध कब्जा लोग करे पड़े हैं और यहाँ जो चिकन की दुकान है, मटन की दुकान है, वो सबको यहाँ से हटना चाहिए। आप इन्हें व्यवस्थित जगह दिया जाए, यहाँ से हटा के बुधवारी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनको समझाइश देने के बाद भी ये चिकन वाले हो या मटन वाले हो, कोई नहीं मानते ना, यहाँ के व्यापारी नहीं मानते। हाँ, कल निगम वाले कल भी आए थे, कल उन्होंने वार्निंग दिया सारे व्यापारी को, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, और आज इन्होंने नोटिस जारी किया है। इतवारी बाजार क्षेत्र में इस तरह के हालात लंबे समय से कायम है और इनके चलते जन सामान्य को साप्ताहिक हाट बाजार के दिन यहाँ से आने और जाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना होता है। यहाँ की तस्वीरों ने लोगों को काफी हलाकान कर रखा है। नगर निगम के द्वारा कुछ कारोबारियों को नोटिस देने से लोगों को लग रहा है कि आगे कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकेगा जब अधिकारी चाहेंगे। कोरबा से पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।